छात्रा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे संवाद करते हुए उसका हाल जान रहे थे। उसी छात्रा से शासकीय कन्या स्कूल में एडमिशन की फीस वसूली गई, यह खुलासा छात्रा ने कलेक्टर के सामने किया। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर के उन बच्चों से वर्चुअली जुड़कर बात कर रहे थे जिन्होंने कोविड संक्रमण के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। वहीं कोविड बाल सेवा संवाद कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के पाटन कन्या शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्र अंजू से सीधे बात कर रहे थे। सीएम ने छात्रा से उसकी पढ़ाई के अलावा हालचाल भी जाना। वहीं सीएम के पूछने पर अंजू ने बताया कि वह बड़ी होकर पुलिस में जाकर जनता की सेवा करना चाहती है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसे भरपूर आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें कि जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे बात करने का मौका सिर्फ अंजू को ही मिला था। सीएम का संवाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलाया राजटी जब सभी बच्चों से बात कर रहे थे, तब अंजू ने उन्हें बताया कि वह शासकीय कन्या हाई स्कूल पाटन में पढ़ती है। उससे स्कूल में एडमिशन के नाम पर 900 रुपए लिए गए। वहीं छात्रा की शिकायत सुनते ही कलेक्टर नाराज हो गया और उन्होंने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाते हुए संबंधित स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं छात्रा को आश्वासन दिया कि स्कूल एडमिशन के नाम पर फिर से जो रुपए लिए गए थे वह वापस कराए जाएंगे। शासकीय कन्या साला पाटन में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली अंजू ठाकुर पिता का देहांत 2015 में ब्रेन हैमरेज से हो गया था। उसकी माता सोमवती बाई की मौत 2021 में हुई थी। वहीं अंजू ठाकुर चार बहनों में सबसे छोटी है। अभी वर्तमान में उसका बड़ा भाई उसकी देख रेख कर रहा है। अंजू को शासन की तरफ से 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी मिल रही है, जबकि उसकी शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।